हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अपने एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छे से प्रेपरेशंस कर रहे हैं। कॉमर्स विद डिफरेंस क्लासेस भी आपकी इस प्रेपरेशन में आपके साथ भागीदार बनना चाहता है। डेली हम लोग नए नए वीडियोस बनाते हैं बिजनेस स्टडीज और अकाउंटेंसी पे, और वो वीडियोस आपके लिए अपलोड करते हैं ताकि जितने भी टर्म्स हैं, जितने भी मेथड्स हैं, वो इजी वे में एक्सप्लेन करके आप लोगों तक पहुंचाए जा सकें। एग्जामिनेशन में स्टूडेंट्स, जब आप लोग अपीयर हों तो एक कॉन्फिडेंस हो, बेसिक टर्म्स आपको क्लियर हो, कोई भी मेन हेडिंग है उसकी एक्सप्लेनेशन आपको आनी चाहिए, जैसे इस वीडियो में हम लोग अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग का मीनिंग आप सभी जानते हैं स्टूडेंट्स। इससे पहले वाले वीडियो में हमने प्लानिंग का मीनिंग और फीचर्स को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन इन द फ्यूचर, व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू एंड हु इज टू डू इट, यानी क्या, कब, कैसे, कौन करेगा, ये हम प्लानिंग में एक्सप्लेन करते हैं, पहले से डिसाइड करते हैं। अब प्लानिंग इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, आप एक सेंटेंस से समझिएगा स्टूडेंट्स। वेल प्लान इज हाफ डन, देखिएगा इसको, वेल प्लान इज हाफ डन, यानी किसी भी एक्टिविटी, किसी भी टास्क को करने से पहले अगर आप बहुत अच्छे से प्लानिंग कर लेते हैं तो ये समझ लीजिए आपका आधा काम तो ऑटोमेटिकली हो गया। हाउ इट इज, ये आधा काम कैसे हो गया, क्योंकि प्लानिंग का मीनिंग देखिए, प्लानिंग में हम करते क्या है, व्हाट टू डू यानी क्या करना है ये क्लियर है, व्हेन टू डू कितने टाइम में करना है, कब कब करना है, दिस इज क्लियर, हाउ टू डू मेथड्स क्लियर है, फॉर्मूला क्लियर है, प्रोसीजर्स क्लियर है, एंड मोर इंपॉर्टेंट इज हु इज टू डू इट, ये काम करना किसको है, दैट इज ऑल्सो क्लियर, यानी पूरे ऑर्गेनाइजेशन में हर किसी को एवरीथिंग इज क्लियर। और जब हर कुछ स्पष्ट हो, हमें एक डायरेक्शन मिलती है कि हमारे जो एफर्ट्स हैं वो किस डायरेक्शन में जाने चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई डाउट नहीं है किसी के मन में, तो अल्टीमेटली आधा काम तो हो गया। और स्टूडेंट्स, इसी तरह आपके लिए है। अब देखिए, आपके एग्जाम में बहुत कम टाइम बचा है, बोर्ड एग्जाम्स में, आप भी अपनी अच्छे से प्लानिंग करें, सब्जेक्ट वाइज प्लानिंग करें, उस सब्जेक्ट में जो चैप्टर्स हैं, चैप्टर्स में जो कंटेंट्स हैं, उनके जो सब कंटेंट्स हैं, उनको लिख करके आप प्लान करें कि आपको इसमें कितना हिस्सा कैसे करना है, कितना पोर्शन आता है, कितना नहीं आता है, जो आता है उसकी कितनी प्रैक्टिस करनी है, और जो पार्ट आपको नहीं आता उसकी कितनी प्रैक्टिस की जरूरत है। आपका थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, लिटिल बिट टाइम कंज्यूमिंग, लेकिन उसके बाद जो क्लैरिटी आएगी, आपके सामने एक चार्ट होगा, फ्लो चार्ट, कि यस, देखते ही पता चल जाएगा कि मुझे इस कंटेंट को, इस मेथड को, या इन क्वेश्चंस को पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, और एग्जाम तक यू विल बी रेडी टू स्कोर वेल, और एग्जाम में जब आप बैठे होंगे तो एक कॉन्फिडेंस लेवल आपका अपलिफ्ट होगा। तो वेल प्लान इज हाफ डन। अब आपकी बुक्स में जो भी बोर्ड के नॉर्म्स के हिसाब से हेडिंग्स गिवन है प्लानिंग की इंपॉर्टेंस के, चलिए उनको हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट पॉइंट है, देखिए, प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। यहां एक बात और ध्यान रखें स्टूडेंट्स, आप लोग क्या गलती करते हो जिससे आपको लगता है आप क्वेश्चन अच्छे से एक्सप्लेन करके आए हो, आंसर जो है अच्छे से एक्सप्लेन करके आए हो, लेकिन मार्क्स नहीं आए। कई स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं, देखिए स्टूडेंट ध्यान से सुनना इस बात को, ये हेडिंग है प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन, ये हेडिंग लिखेंगे, इसकी एक्सप्लेनेशन में भी यही लिख देंगे, प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। जो भी एक्सप्लेनेशन हो वो कंप्लीट हो, और वो कंप्लीट कब होती है स्टूडेंट्स, जब आप इस पॉइंट को प्रूव करें। जैसे मैं आपको बताता हूं, प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन हाउ, देखिए मैंने अभी बताया, प्लानिंग डिसाइड्स व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू एंड हु इज टू डू, इट मींस एवरीथिंग इज क्लियर, एम्प्लॉइज गेट ए डायरेक्शन वेयर वी स्टैंड
एंड वेयर वी हैव टू गो, हम कहाँ खड़े हैं और कहाँ जाना है और कैसे जाना है. एंड अकॉर्डिंगली दे फोकस ऑन देयर वर्क, दे फोकस ऑन देयर परफॉर्मेंस. तो दिस इज हाउ प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन. सेकेंड पॉइंट देखें स्टूडेंट्स, प्लानिंग रिड्यूसेस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी. याद रखिए स्टूडेंट्स, हमारा जो बिजनेस एनवायरनमेंट है उसकी वजह से फ्यूचर इज कंप्लीटली अनसर्टेन. यानी जो भविष्य है, हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें तो बिल्कुल अनसर्टेन है. आज आपका बिजनेस बहुत अच्छे से रन कर रहा है, कल का आपको नहीं पता कौन कौन सी प्रॉब्लम्स कॉन्स्ट्रेंट्स आपको फेस करनी पड़ जाएं, कौन से चैलेंजेस से आपको रूबरू होना पड़ जाए. तो यहाँ पर क्या है, प्लानिंग हेल्प्स इन दिस. यानी अनसर्टेनिटी को हम खत्म नहीं कर सकते, उससे होने वाले रिस्क को हम खत्म नहीं कर सकते, बट विद ए गुड प्लानिंग विद ऑल्टरनेटिव प्लान्स वी कैन फेस एंड वी कैन रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी. यानी इस अनसर्टेनिटी, इस अनिश्चितता की वजह से होने वाला जो लॉस है उसको हम फेस कर पाते हैं, क्योंकि हमारे पास पहले से एक प्लान है और अकॉर्डिंगली उस प्लान में हम लिटिल बिट चेंज भी कर सकते हैं. तो प्लानिंग इज रियली इंपॉर्टेंट. थर्ड पॉइंट देखिएगा स्टूडेंट्स, प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज. ये ओवरलैपिंग वर्ड समझिए स्टूडेंट्स. ओवरलैपिंग होता है कि किसी एक टास्क को, काम को जरूरत है एक बंदा काम करे, यानी वन पर्सन काम करे, लेकिन उसको दो या तीन या चार लोग अननेसेसरी काम कर रहे हैं. यानी जहां एक व्यक्ति को काम करना चाहिए वहां एक से ज्यादा व्यक्ति काम कर रहे हैं, और कई जगह काम करने वाला है ही नहीं. ये कब होता है, जब लैक ऑफ प्रॉपर प्लानिंग हो, जब प्लानिंग ना हो, ये ओवरलैपिंग होती है. तो प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग, क्योंकि प्लानिंग में पता है व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू एंड हु इज टू डू. हर पर्सन का, हर डिपार्टमेंट का, हर मैनेजर का, हर एम्प्लॉई का टास्क जो है वो रिटर्न में है, उसने क्या करना है और कब करना है. तो ओवरलैपिंग तो हो ही नहीं सकती, और ओवरलैपिंग की वजह से क्या होता है, वेस्टफुल एक्टिविटीज. यानी कुछ एक्टिविटीज ऐसी परफॉर्म हो जाती हैं एम्प्लॉयज के द्वारा जिनसे कोई प्रोडक्शन नहीं होती. दीज आर नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, वेस्टफुल एफर्ट्स होते हैं. उनको रोका जा सकता है कैसे, बाय प्रॉपर प्लानिंग. देखिए प्लानिंग वाकई इंपॉर्टेंट है. अब देखिए स्टूडेंट्स फोर्थ पॉइंट, प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज. देखिए इनोवेशन, दिस इज द एज ऑफ इनोवेशन एंड क्रिएटिव आइडियाज. अब प्लानिंग से कैसे हेल्प मिलती है कि नए नए आइडियाज आए. स्टूडेंट्स देखिए प्लानिंग में क्या होता है, डिसीजन मेकिंग. डिसीजन मेकिंग हम किस चीज की करते हैं, उसके लिए हम ऑल्टरनेटिव वेज. यानी मैनेजर्स को कहा जाता है कि काम करने का वो बेस्ट, सिंपल एंड चीपेस्ट वे फाइंड करें. तो मैनेजर फोकस करते हैं, हर रोज स्टडी करते हैं, डेप्थ स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं कि ये काम और बेहतर तरीके से कैसे हो सके. और इससे किस चीज को बढ़ावा मिलता है, इनोवेशन, क्रिएटिव आइडियाज. यानी जब हम प्लानिंग करते हैं तो नंबर ऑफ क्रिएटिव आइडियाज कम इनटू अवर माइंड, वो मैनेजर के माइंड में आते हैं और उनमें से जो बेस्ट आइडिया है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंगली उसे हम सिलेक्ट करते हैं. तो प्लानिंग से हेल्प किसमें मिलती है, मैनेजर्स खुलकर काम करते हैं, ओपन माइंड से काम करते हैं, न्यू आइडियाज कम इनटू देयर माइंड, और तभी तो ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्रेस करता है. फिफ्थ पॉइंट देखिए स्टूडेंट्स, प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग. अब ये देखिए, इनोवेटिव आइडियाज क्रिएट करना ठीक है, इट इज देयर ड्यूटी, बट हाउ टू सिलेक्ट द बेस्ट आइडिया, हाउ टू सिलेक्ट द बेस्ट ऑल्टरनेटिव, हाउ टू सिलेक्ट द बेस्ट वे ऑफ डूइंग द वर्क, दिस इज कॉल्ड डिसीजन मेकिंग. अब ये देखिए, एक गुड डिसीजन हमें प्रोग्रेस की तरफ ले जाता है और एक बैड डिसीजन हमें डाउनफॉल की तरफ ले जाता है. तो मैनेजर्स नीड टू डिसाइड द बेस्ट ऑल्टरनेटिव, बेस्ट वे ऑफ डूइंग द वर्क. इसलिए प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग. यानी जो प्लानिंग है वो मैनेजर्स को अच्छे डिसीजन लेने में हेल्प करती है, फैसिलिटेट करती है, मदद करती है, और ये वही डिसीजंस होते हैं जो बिजनेस की प्रोग्रेस को डिटरमिन करते हैं, बिजनेस की ग्रोथ को डिसाइड करते हैं, और बिजनेस का प्रॉफिट, रेवेन्यू और मार्केट शेयर इंक्रीज होता है. लास्ट पॉइंट देखिए स्टूडेंट्स प्लानिंग का,
प्लानिंग एस्टेब्लिशेज स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग. कंट्रोलिंग का मीनिंग आप जानते हैं स्टूडेंट्स. कंट्रोलिंग एंश्योर्स दैट एक्चुअल वर्क इज गोइंग ऑन एज पर प्लान्स. एज पर प्लान्स यानी प्लान में हम क्या डिसाइड करते हैं, प्लान में हम सेट करते हैं स्टैंडर्ड. स्टैंडर्ड का मतलब टारगेट. डेली के टारगेट क्या है, वीकली टारगेट क्या है, मंथली टारगेट क्या है, और इन्हीं टारगेट के अकॉर्डिंगली एक्चुअल वर्क होता है. और फिर हम एक्चुअल वर्क को प्लान्ड वर्क यानी डिजायर्ड स्टैंडर्ड के साथ, परफॉर्मेंस के साथ कंपैरिजन करते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं. और कहीं प्रॉब्लम है या तो प्लान को रिव्यू करते हैं, चेंज करते हैं, या अगर वर्कर्स अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं तो उनके लिए ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करना या उनके वे ऑफ वर्क को करेक्ट करना. तो ये सभी कुछ कब पता चलता है हमें, जब हमारी प्लानिंग बहुत अच्छी हो. तो इन सभी पॉइंट्स से स्टूडेंट्स आपको पता चल गया होगा. एक बार पॉइंट्स को फटाफट फिर से देख लें. प्रोवाइड्स अ डायरेक्शन, इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, इट रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज, इट प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज, इट फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग, एंड इट एस्टेब्लिशेज स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग. इन सभी पॉइंट्स को स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से समझना, ना सिर्फ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में बल्कि हमारी पर्सनल लाइफ, हमारे हाउसहोल्ड्स में, हमारे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में, सोसाइटी में जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन तो खास तौर से, उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी अगर अच्छी प्लानिंग की जाए. बिकॉज प्लानिंग एंश्योर्स वट अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. तो वीडियोस देखते रहिए स्टूडेंट्स, इनको लाइक कीजिएगा, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि सभी को इन वीडियोस का बेनिफिट मिले, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें.